तो नमस्कार दोस्तों, नमस्कार किसान भाइयों, फिर से आपके लिए एक सरसों का रिपोर्ट लेके आ गया हूँ। आज का इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 2022 के अंत तक आखिर सरसों का जो भाव है कहाँ तक जाने की संभावना है, क्योंकि 2021 तो खत्म हो गया, 2022 आ गया है, तो आखिर 2022 में सरसों का भाव कहाँ तक जा सकती है। हमारी रिपोर्ट, भारतीय रिपोर्ट, भारतीय सरकार की रिपोर्ट, फॉरेन कंट्री की रिपोर्ट क्या कहती है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले, क्योंकि आज संडे है, आज मंडी में कारोबार बंद होती है, इसलिए हम लोग आज इस विषय के ऊपर बात करने वाले हैं। इस विषय के ऊपर बात करने से पहले आपसे मैं हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको सरसों का पल पल का रिपोर्ट जानना था, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वर्ष दोस्तों पिछले 5 साल 6 साल की अपेक्षा रिकॉर्ड बीट तेजी तो नहीं, लेकिन रिकॉर्ड बीट उत्पादन है। इस वर्ष जो सरसों का जो उत्पादन है सबसे ज्यादा होने वाला है, सबसे ज्यादा होने वाला है। मैं बता दूं आपको, हमारा रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष काफी ज्यादा लंबे चौड़े पैमाने पर काफी सारे शहरों में, सभी राज्यों में, भारत के तकरीबन सारे राज्यों में इस वर्ष सरसों का उत्पादन अच्छा हुआ है। हमारी रिपोर्ट के अनुसार कई सारे किसान भाई गेहूं को छोड़ के इस वर्ष सरसों के ऊपर ध्यान दिए हैं, क्योंकि पिछले वर्ष लॉकडाउन के कारण जो सरसों का भाव था काफ़ी अच्छी थी। हम सभी जानते हैं एमएसपी का रेट पिछले वर्ष 4650 था और उसके दुगना भाव तक सरसों बिके, इसलिए किसानों को लगता है कि नहीं, अब सरसों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरसों एक मोटी कमाई हमें दे के जाएगी। अब यहाँ पर सवाल दोस्तों दो उठता है कि सरसों का जो उत्पादन है रिकॉर्ड बीट हुआ है और जो आवक है मंडी में पिछले वर्ष के अपेक्षा इस वर्ष बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे कंफ्यूजन यह है कि सरसों का भाव बढ़ेगा या कम होगा। अब यहाँ पे एक विषय और आती है कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई। हाँ जी, मैं मानता हूँ कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बीच हमारा जो सोयाबीन ऑयल है, रिफाइन ऑयल का दाम बढ़ गया, सरसों का दाम अभी भी कम नहीं हुआ है, लेकिन हाँ रिफाइन का ऑयल ज्यादा बढ़ गया। अब यहाँ पे सवाल यह उठता है क्या सरसों का भी भाव बढ़ेगा रूस और यूक्रेन की लड़ाई के चलते। हमें नहीं लगता कि बढ़ेगा, क्योंकि रिफाइन ऑयल का रेट बढ़ा है और रूस और यूक्रेन के चक्कर में कहीं से हमें लगता है कि सरसों का रेट है ना कम होगा ना ज्यादा होगा, क्योंकि पिछले अगर 3 दिनों का मैं भाव देखूँ तो गिरावट ही है सरसों में। पिछले 3 दिनों का भाव मैं आपको बता दूँ तो सरसों में गिरावट ही है, तेजी कहीं से देखने को नहीं मिली है। जहाँ पे जयपुर का भाव 8000 था, वहीं पे जयपुर का भाव 7150 हो गया है, आदमपुर का भाव 6887 हो गया। कहीं ना कहीं रूस और यूक्रेन से हमें कोई लेना देना नहीं है भैया, हमारे देश में ही काफ़ी ज़्यादा सरसों पैदा हुआ है भैया। जब आप देखते होंगे कि सीजन में कोई भी सब्जी मार्केट में ज़्यादा आता है तो उसका रेट कम होता ही है, इससे कोई, हाँ एक चीज़ हम लोग मानेंगे कि अगर ट्रांसपोर्टिंग बंद हो जाए रिफाइन ऑयल का ज़्यादा, तो हाँ इस तेल का दाम बढ़ जाएगा, क्योंकि इस तेल का यूज़ ज़्यादा बढ़ेगा। अगर रिफाइन ऑयल कम आएगा हमारे देश में तो इस तेल का यूज़ बढ़ेगा, जब यूज़ बढ़ेगा तब भाव बढ़ सकता है। अभी सरसों का जो भाव है दोस्तों 6 से 7 हज़ार रुपये के तकरीबन है, 8000 का भाव भी था लेकिन डाउन हो गया है, जयपुर का भाव भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। और दोस्तों वही बात करेंगे हम लोग प्रमुख सरसों मंडी, जैसे सलोनी प्लांट में भी कल का जो भाव था मैं बताता हूँ आपको, कल का जो भाव रहा 7400 रुपये क्विंटल, मतलब 8000 का भाव अभी भी सरसों में नहीं है, 8000 से डाउन हो गई है, 7000 के करीब सरसों का भाव आ गई है। हमें लगता है कि पिछले 3 महीनों में या तो सरसों के भाव 1000 रुपये बढ़ेगा या 1000 रुपये घटेगा। हमें नहीं लगता बढ़ेगा, क्योंकि 40% चांस है कि सरसों का रेट बढ़ सकता है और 60% चांस है कि सरसों का भाव कम होगा, क्योंकि जब से मंडी में नई आवक आई है, आप ध्यान से देखना कि जब से मंडी में नई आवक आई है तब से सरसों का जो भाव है धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो गया। अब हम यहाँ पर तो यह नहीं कह सकते कि रूस और यूक्रेन के चक्कर में कम हो या ज़्यादा हुआ, नहीं, आवक बढ़ने के कारण रेट घटता है, समझ रहे हो आप, ध्यान से समझो कि जब नई सरसों नहीं आई थी तब सरसों का जो भाव था सोलोनी प्लांट में 8300 और आज दोस्तों 7400 का भाव आ गया, लगातार 2000 का डाउन आया है सरसों में। तो आप समझ सकते हो कि अगर आपके पास अभी भी नई सरसों या पुरानी सरसों है तो आप दिमाग लगा के बेचे अगले 3 महीने में, क्योंकि जो मई का महीना होता है, मई और अप्रैल, अप्रैल और मई दो ऐसा महीना है जहाँ पे तेल का सबसे ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि
अप्रैल मई और जून में शादी का लगन होता है, शादी काफी ज्यादा मात्रा में अप्रैल मई और जून में ही होती है, तो वहां पे सरसों तेल का खपत बढ़ता है। वहां पे अगर खपत बढ़ा तो सरसों का भाव 1000 का तेजी आ सकती है, शायद 9000 नहीं लेकिन 8000 से लेकर 8500 का भाव छू सकता है। 9000 का भाव दोस्तों हम लोग नहीं कह पाएंगे, लेकिन हाँ अगले 6 महीने के बाद शायद चांस है कि सरसों में 9000 का भाव देखा जाएगा, वो भी सोनी प्लांट में 9000 का भाव देखा जाएगा, बाकी मंडी में 8000 से डाउन ही रहेगी सरसों का भाव। आपको क्या लगता है हमें आप कमेंट में कह दीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हूं विवेक सिंह, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल बिजनेस दुनियादारी। सरसों को ज्यादा मात्रा में करें, क्योंकि सरसों को ज्यादा मात्रा में करेंगे तभी हमारा देश तेल का प्रधान देश हो पाएगा, तभी जाके हमारा देश में तेल बाहर से मंगाना नहीं पड़ेगा। अभी भी हमारे देश में 80% तेल बाहर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पे उतना उत्पादन नहीं होता है जितना उत्पादन होना चाहिए। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद।